नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रेकिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस रेलवे RRB NTPC के क्लास में आज आप लोग की यहाँ पर सामान्य जागरूकता की थर्ड क्लास है, जिसमें हम आज आप लोग के लिए 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस क्लास को, आइए देखते हैं। दोस्तों, आप लोग फिलहाल हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आप लोग को हमारी मैथ्स रिलेटेड वीडियो टॉपिक वाइज मिल जाएंगी। तो अनअकैडमी पर हमें फॉलो करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप लोग वहां से फॉलो कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाकर वहाँ पर टाइप कर सकते हैं दीपांशु सक्सेना, देन आप लोग वहाँ से भी हमें फॉलो कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, हमारा ये रहा आज का सबसे पहला क्वेश्चन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा द्वारा 2 जून 2017 को किस मिशन की 10वीं सामान्य समीक्षा मिशन रिपोर्ट जारी की गई? तो यहाँ पर आप लोग के सामने चार ऑप्शन है, NHM, NRHM, या फिर NUHLM, या फिर दोस्तों IPHS। तो आपको बता दें फिलहाल ये रिपोर्ट जारी की है आप लोग की NHM की। इसके बाद देखिए आप लोग का ये रहा सेकेंड क्वेश्चन। भारतीय प्रधानमंत्री श्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 मई से 3 जून 2017 तक कितने यूरोपीय देशों की आधिकारिक यात्रा पर रहे? 3, 4, 5 या फिर 1? तो क्या आप लोग जानते हैं फिलहाल इसका जो सही जवाब है? यहाँ पर जिसका भी 4 आया बिल्कुल सही है, आप लोग याद रखिएगा। तो 29 मई से 3 जून तक जो थे ये हमारे प्रधानमंत्री यूरोपीय देशों के 4 आधिकारिक यात्रा पर रहे थे। अब देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आपको क्या दिया गया, किस व्यक्तिगत द्वारा 5 जून 2017 को राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी यानी कि NWDA के महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण किया गया? तो यहाँ पर दिया गया S. मसूद हुसैन, रमन श्रीवास्तव, डॉक्टर शरद कुमार जैन या फिर अनुराग त्रिपाठी। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो आप लोग का आंसर है ये है डॉक्टर शरद कुमार जैन, जिन्हें यहाँ पर राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार इन्होंने ग्रहण किया। क्वेश्चन फोर्थ देखिए आपका क्या दिया गया, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी द्वारा 4 जून 2017 को थाईलैंड ओपन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड 2017 बैडमिंटन खिताब के रूप में वर्ष का लगातार दूसरा खिताब जीता? तो दोस्तों ये कौन है, किदाम्बी श्रीकांत, पारूपल्ली कश्यप, अजय जयराम या फिर बी साई प्रणीत? तो क्वेश्चन फोर्थ का जो सही जवाब है इनका नाम है बी साई प्रणीत, ठीक है। तो इन्होंने दोस्तों जो है लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया है, क्या नाम है, थाईलैंड ओपन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड 2017 बैडमिंटन खिताब के रूप में लगातार दूसरी बार जीतने वाले महान व्यक्ति हैं वी साई प्रणीत। अब देखिए आप लोग के सामने ये रहा आपका फिफ्थ क्वेश्चन, किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा 16 मई 2017 के एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित करने की जानकारी दी गई है जिससे ऑडियो रिकॉर्डिंग का बेहतर संपादन संभव है? तो यहाँ पर आप लोग के सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यानी कि USA में है ये, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ये भी USA की है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ब्रिटेन, या फिर टेक्सास यूनिवर्सिटी USA। तो दोस्तों यहाँ इसका राइट आंसर आप लोग का क्या होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का, तो ये है आप लोग का फिलहाल प्रिंसटन यूनिवर्सिटी USA, ठीक है। तो इस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा जो है यहाँ पर 16 मई 2017 को एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित करने की जानकारी दी गई है जिससे कि ऑडियो रिकॉर्डिंग का बेहतर संपादन संभव है। ये रहा दोस्तों आप लोग के सामने आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6, भारत की केंद्रीय जैव प्रौद्योगिकी नियामक एजेंसी यानी कि GEAC द्वारा 11 मई 2017 को अनुवांशिक रूप से संवर्धित किस किस्म की व्यापारिक खेती को स्वीकृति दी गई है? कपास, सरसों, टमाटर या फिर बैगन? तो इसका राइट आंसर फिलहाल क्या होगा, तो आपको बता दें इसका सही जवाब है सरसों। नेक्स्ट देखिए क्या है, नई दिल्ली में 10 से 14 मई 2017 के मध्य आयोजित हुई एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2017 में भारत के पहलवान बजरंग पूनिया ने किस वर्ग में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक अर्जित किया? तो यहाँ पर आप लोग के चार ऑप्शन दिए गए और इसका जो सही जवाब है आप लोग के क्वेश्चन नंबर 7 का ये है पुरुष फ्रीस्टाइल के द्वारा, ठीक है। किसमें पदक अर्जित किया, ये किया इन्होंने पुरुष फ्रीस्टाइल में। तो फ्रीस्टाइल के बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर 8th क्वेश्चन, किस IAS अधिकारी को 26 मई 2017 को आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त, ठीक है, इन मामलों के विभाग के सचिव का इन्हें अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है? राकेश त्रिपाठी, अशोक गांगुली, रमन श्रीवास्तव या फिर तपन राय? तो क्वेश्चन नंबर 8th का जो आप लोग का सही जवाब है ये है फिलहाल तपन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का क्या है, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन के WHO द्वारा 23 मई 2017 को डॉक्टर ट्रेडोस एधानोम घेब्रेयेसस
को WHO का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो इनका संबंध जो है वो किस देश से है? इथियोपिया से, ठीक है, सोमालिया से, नाइजीरिया से, या फिर अल्जीरिया से? तो इसका राइट आंसर है इथियोपिया से, ठीक है, इथियोपिया से इनका संबंध है। और इसके बाद देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा 11 मई 2017 को किस अनुभवी राजनयिक को फ्रांस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? तो इनका नाम जो है ये है विनय मोहन क्वात्रा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग के सामने, किस देश की साशी पार्टी फाइन गेल द्वारा 2 जून 2017 को भारतीय मूल के समलैंगिक राजनीतिक लियो वरतकर को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चयनित किया गया? तो कौन सा दोस्तों ये देश है? नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, या फिर इंग्लैंड? तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 11 का, ये है आप लोग का सी वाला, आयरलैंड, ठीक है। क्या है? आयरलैंड है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या दिया गया, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग यानी कि DIPP द्वारा 8 मई 2017 को किस संगठन के साथ मिलकर यहाँ पर प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सहायता केंद्र की स्थापना हेतु समझौता किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आप लोग का इसमें राइट आंसर है ये है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है। तो इसका जवाब है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है। अब देखें यहाँ पर 13 क्वेश्चन में आपको दिया गया, ब्रिटिश फर्म EY द्वारा मई 2017 में जारी किए गए अक्षय ऊर्जा निवेश से संबंधित रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स यानी कि IECAI में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों आपको बता दें इसमें जो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है वो दूसरा प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो आपका आंसर जो आएगा दूसरा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का क्या दिया गया, भारत की किस इंजीनियरिंग कंपनी को 12 मई 2017 को निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा रक्षा ऑर्डर प्राप्त हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इन चारों ऑप्शन में से जो आप लोग का सही जवाब है ये होना चाहिए LNT, ठीक है। तो LNT। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया, यहाँ पर केंद्रीय रेल मंत्री द्वारा 21 मई 2017 को किस रेलवे के अंतर्गत आने वाले 28 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा की शुरुआत की गई है? दक्षिण रेलवे, मध्य रेलवे, कोंकण रेलवे, या फिर उत्तर रेलवे? तो इसका जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग का है कोंकण रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 16 में, हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 17 मई 2017 को किस राज्य में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना को स्वीकृति दी गई? बिहार में, गुजरात, पंजाब, या फिर असम? तो फिलहाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो आप लोग का 16 होगा, ठीक है, तो 16 का दोस्तों जो आप लोग का राइट आंसर है ये है फिलहाल आप लोग का डी वाला। क्लियर हो गया इतनी बात? चलिए दोस्तों इसके बाद देखिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में। तो क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आप लोग के सामने, किस राज्य में 1 जून 2017 को राज्य के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया? ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटक, या फिर उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों फिलहाल इसका राइट आंसर है आपका ओडिशा, ठीक है। क्या है? ओडिशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 क्वेश्चन, किस राज्य सरकार को 4 मई 2017 को राज्य में प्राप्त आम की प्रजाति यानी कि बैगाना पल्ली को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI दिलाने से संबंधित पंजीकरण हुआ है? तो फिलहाल ये राज्य सरकार आपको बता दें ये है आप लोग की आंध्र प्रदेश राज्य सरकार। और क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपका क्या दिया गया, उस रैन समवेयर का नाम बताइए जिसके द्वारा 12 मई 2017 को किए गए एक साइबर हमले के तहत भारत सहित विश्व के लगभग 100 देश प्रभावित हुए? तो फिलहाल दोस्तों इसका नाम जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका राइट आंसर है वाना क्राई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में आपको क्या दिया गया, इंग्लैंड के एसोसिएशन फुटबॉल क्लबों के शीर्ष प्रोफेशनल लीग इंग्लिश प्रीमियर लीग 2016-17 का खिताब 21 मई 2017 को किस क्लब ने जीता है? आर्सेनल, बार्सिलोना, आपका बेस्ट ब्रॉमविच एलवियन, या फिर चेल्सी? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आप लोग का राइट आंसर है ये है चेल्सी, ठीक है। तो किस क्लब ने जीता है? ये जीता है चेल्सी क्लब ने। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं, उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई। ये सारे क्वेश्चन जितने मैंने आपको कराए इसको बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा। तो फिलहाल फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार।